हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आज मैं बहुत ही मज़ेदार टमाटर पराठा बनाने वाली हूँ। इस पराठे को बनाने के लिए आपको आटा गूंदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही झटपट तैयार भी हो जाएगी। इस तरीके से एक पराठा बनाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और ये पराठा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, आप देख ही सकते हैं। तो आइए ये टेस्टी टमाटर पराठा बनाना शुरू करते हैं। टमाटर पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ले लिया है। इन सभी को मैंने थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में पीस लिया है। पराठे बनाने के लिए मैंने इस कटोरी को एज अ मेजरिंग कप यूज किया है। मैंने इसमें 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो इसे पूरा आटा या फिर पूरा मैदे में बना सकती हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। अब मैंने मिक्सी में जो टमाटर का पेस्ट बनाया है उसे थोड़ा थोड़ा डालकर इस आटे का एक मिक्सचर बनाऊंगी। मैंने टमाटर को पीसते समय इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून चीनी भी ऐड किया था। हमें इस टमाटर पराठे का बैटर ना तो ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा बनाना है। मुझे यहाँ पर स्मूथ और लंप फ्री बैटर बनाने के लिए मैंने जिस कटोरी से आटा और मैदा लिया था उसका 2.5 कटोरी पानी लगा है। मेरे पास थोड़ा चिली फ्लेक्स था इसलिए मैं अभी इसमें वो ऐड कर रही हूँ। इसके जगह पर आप अपने मनचाहा कोई भी और मसाला ऐड कर सकती हैं। और इस दौरान आप नमक को भी एक बार चेक कर लें। मेरे इस बैटर में नमक कम था तो मैंने थोड़ा और नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इस बैटर को फिर से एक बार मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। 10 मिनट हो चुका है और ये बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो आइए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इस पराठे को बनाने के लिए आपको नॉनस्टिक पैन लेने की जरूरत पड़ेगी। इस नॉनस्टिक तवा को मैंने लो फ्लेम पर हल्का गरम करके इस पर थोड़ा बैटर डालकर जैसे हम डोसा या फिर चीला को स्प्रेड करते हैं वैसे ही स्प्रेड कर दिया है। सिर्फ इसे उतना पतला नहीं बल्कि थोड़ा मोटा ही स्प्रेड करना है। बैटर को स्प्रेड करने के बाद मैंने गैस के फ्लेम को लो मीडियम कर दिया था। अब जब ये ऊपर से ड्राई लग रहा है तब मैं इसे दूसरे तरफ पलट दूंगी। अब थोड़ा घी, तेल या फिर बटर डालकर दोनों साइड्स को अच्छे से सेक लेना है। ये एक साइड से एकदम पराठे की तरह ही दिखता है लेकिन दूसरे साइड से ये डोसा या फिर चीला की तरह दिखता है, पर यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट होता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। इस लिक्विड डो के तरीके से आप इन पराठों को बिना तेल या घी यूज किए भी बना सकती हैं। ये तवे में बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। आप पराठे के इस बैटर को बनाकर फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर भी कर सकती हैं। तो फिर बहुत ही टेस्टी टमाटर पराठा बनकर तैयार है। इसे बनाना भी आसान है और बहुत ही झटपट कम मेहनत में बन जाता है। आप इसे अचार, सॉस या फिर कोई भी सब्जी के साथ सर्व करें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।